अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज़ अहमद। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरा जो चैनल है इंफॉर्मेशन टीवी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। तो चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एक छोटी सी चिड़िया जब उड़ते हुए जहाज़ से टकराती है तो उसका हुलिया बिगाड़ कर रख देती है। अरबों रुपयों का जंगी जहाज एक कबूतर के टकराने से लोहे और राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। मोटरसाइकिल एक जानलेवा सवारी है और दुनिया में जितने बंदे मोटरसाइकिल ने खाए हैं किसी और चीज़ ने इतने कत्ल नहीं किए। पाकिस्तान में औसतन 10 बंदे रोज़ाना मोटरसाइकिल पर मरते हैं और मोटरसाइकिल को बचाते हुए कई हादसा हो चुके हैं। चाहिए तो ये था कि इसको बैन कर दिया जाता, क्योंकि इस्लाम का कानून है जिस चीज़ से एक आदमी की भी जान से जाने का खदशा हो वो हराम है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल जब किसी चीज़ से टकराती है, मसलन एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर की रफ़्तार से जा रही है, उसके ऊपर बैठा बंदा बज़ाहिर तो साकिन है लेकिन इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से उस बंदे की स्पीड 60 किलोमीटर होती है। अचानक रुकावट, हादसे रेजिस्टेंट और ब्रेक की वजह से बंदा 60 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से मोटरसाइकिल से आगे निकल जाता है। जब भी कोई चीज़ उड़ती है, फ्लाई करती है, उसका भारा हिस्सा पीछे रह जाता है। इंसानी जिस्म का भारा हिस्सा छाती से नीचे है, इधर हड्डी भी वज़नी है और गोश्त और अंतड़ियाँ भी वज़नी हैं, लिहाजा हादसे की सूरत में सर खुद ब खुद आगे हो जाता है और सबसे पहले सर टकराता है। सर पर चोट लगते ही इंसान बेहोश होता है या उधर ही मर जाता है। पाकिस्तान के 90% डॉक्टरों को ये इल्म ही नहीं होता कि हेड इंजरी में मेडिसिन कौन सी देनी है और अमूमन गलत इंजेक्शन हेड इंजरी में सीधा मौत के मुँह में पहुंचा देता है। ट्रैफिक हादसे में चूंकि पुलिस केस है और पुलिस मरीज को लाने वाले को पकड़ती है, इसलिए ऐसी सूरत में कोई करीब ही नहीं जाता और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बंदा मर ही जाता है। 12 से 18 साल के लड़के मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं जैसे अब 16 हो। या दूसरा एक अलमिया ये भी है कि किसी पाकिस्तानी के करीब से दूसरा गुजर जाए तो वो ये समझते हैं कि जैसे ये उनकी इज्जत ही ले गया हो। वो क्यों निकला मुझसे आगे, फिर उससे आगे निकलने के चक्कर में वो दुनिया से ही निकल जाते हैं। लिहाजा जान बहुत कीमती है, हेलमेट वाहिद सेफ्टी है। सर बच जाए बंदा बच जाता है, हड्डियां जुड़ जाती हैं दूसरा सर नहीं मिलता। इसलिए बजाय अपना सर तोड़ने के 1000 का हेलमेट तोड़ें और पाकिस्तानी डॉक्टरों से बचें, क्योंकि जान का कोई नेमुल बदल नहीं। नाज़रीन, अपनी जान की हिफाजत ऐसे करें जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को आप कवर में रखते हैं ताकि वह अगर वो गिर जाए तो वो डैमेज ना हो, उस पर किसी किस्म की कोई स्क्रैच ना आए। बिल्कुल इसी तरह बाइक का इस्तेमाल करते वक्त पहले हेलमेट लाजमी ले लें, क्योंकि हेलमेट जो है वो एक प्रॉपर सेफ्टी है जो आपको किसी किस्म के भी भयानक हादसे से बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी साबित हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और हमारे इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।